15 अगस्त 1947, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, लोगों ने सपना देखा स्वच्छ और स्वस्थ भारत का। भले हम आज कितना पढ़ लिख जाएं, पर स्वच्छता का अर्थ कभी कभी एक मासूम बच्चा भी है पढ़ा कर चला जाता है। स्वच्छ भारत एक ऐसा नारा है जो आज अकेले के इंसान की बस की बात नहीं, बल्कि यहाँ हम सबके योगदान की आवश्यकता है। लाली जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने फुटपाथ को ही अपना घर बना लिया। उनकी गरीबी ने उनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। माना कि हम लोग आज बहुत व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, थोड़े बहुत पैसे देकर हम उनकी मदद कर देते हैं, क्या ये काफी है? अगर पैसे के साथ साथ उनको शिक्षा और आत्मनिर्भर होने की हम दिशा दे दें, तो इससे बढ़कर उनके लिए क्या दूसरी सहायता हो सकती है?
स्वच्छता सिर्फ गंदगी को कचरेदान में फेंकने से ही होती है? आज एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या भीख मांगना हमारे समाज में गंदगी नहीं? आज हमारे देश में कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं, स्कूल जाने की उम्र में उनके हाथ में कटोरा थमा देते हैं। आइए हम और आप मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ पर जिन बच्चों का बचपन छिन गया हो उनके बचपन को हम अपने गोद में उठा लें।